हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एकॉस्टिक्स इंडिया पर। तो दोस्तों, उम्मीद रखता हूं आप सब लोग ठीक हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए हम लोग आपके लिए सैनियो का रिसीवर लेके आ गए। जी हां दोस्तों, DCX 4000 मॉडल लेके आ चुके हैं। रिसीवर की बहुत डिमांड आ रही थी, तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ रिसीवर ही शेयर करते रहें दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट जरूर करेंगे आप लोगों से, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। अपना प्यार और अपना सपोर्ट दोस्तों हमारे छोटे से चैनल के साथ ऐसे ही बनाए रखें। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे और ना ही आप लोगों का टाइम वेस्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, ये है सैनियो का स्टीरियो रिसीवर DCX 4000 के। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ आपको पावर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है दोस्तों, और ये स्पीकर है। यहाँ ऑफ स्पीकर ए रन करना चाहते हैं, बी रन करना चाहते हैं, ये ए प्लस बी आप लोग साइमल्टेनियसली भी रन कर सकते हैं। ये दोस्तों आपका बेस, ये ट्रेबल, ये बैलेंस, ये वॉल्यूम रहेगा इसका। अगर यहाँ पे आते हैं तो दोस्तों आपको इसका लाउडनेस और ये दोनों आपके टेप वन और टेप टू के जो स्पीकर्स होते हैं वो है। स्टीरियो एंड मोनो, ये आपका FM हो गया, लाउडनेस हो गया दोस्तों इसका। ये दोस्तों इसका मेन सिलेक्टर है जहाँ पे आप अपना FM, AM या ऑक्स या टर्नटेबल आप कुछ भी इसके साथ चला सकते हैं। ये इसका माइक का वॉल्यूम हो गया। ये इसका दोस्तों मेन ट्यूनिंग का है। कंडीशन बहुत अच्छी रहने वाली है। मैं इसको कनेक्शन हम लोगों ने इसके लगा रखे हैं। एक बार मैं आपको इसकी बैक साइड भी दोस्तों दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, अच्छी बात यह है कि आपको इसमें प्री आउट देखने को मिलती है। यहाँ पे आपका फोनो है, ये ऑक्स में भी मैंने कनेक्ट कर रखा है। ये टेप का हो गया दोस्तों, ये टेप वन, ये टेप टू, ये टेप वन था। प्री आउट है दोस्तों। स्पीकर ए में हमने कनेक्शन लगा रखे हैं, स्पीकर बी भी है दोस्तों। ये इसके आपके जो प्रोटेक्टर होते हैं फ्यूज, इनकेस आपके घर में वोल्टेज ज्यादा आती है या कुछ भी होता है तो एम्पलीफायर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्यूज खराब हो जाएंगे तो आप फ्यूज इजिली चेंज भी कर सकते हैं। ये इसका FM का एंटीना है। और अगर हम इधर आके बात करते हैं तो मॉडल आपको मैं बता ही चुका हूँ, DCX 4000 के है, मेड इन जापान प्रोडक्ट है। और दोस्तों यहाँ पे इसका आपको आप अपने FM के एंटीना भी आप लगा सकते हैं। कंडीशन बहुत अच्छी रहने वाली है दोस्तों। अब मैं इसकी पावर आउटपुट की अगर बात करता हूँ दोस्तों, तो इसकी पावर आउटपुट आपको 30 वॉट देखने को मिलती है। जी हाँ, पावर आउटपुट भी बहुत अच्छी है रिसीवर के हिसाब से। और 70s का दोस्तों ये मॉडल है। इसका वेट भी अप्रॉक्स आप मान के चलिए 9-10 किलो के आसपास का इसका वेट। एक बार हम आपको इसका साउंड टेस्ट भी कराते थे ताकि आपको पता चल सके ये प्रोडक्ट किस लेवल की आउटपुट आप लोगों को देता है। जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। तो दोस्तों, उम्मीद रखते हैं ये प्रोडक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस दोस्तों आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो दोस्तों, अब आते हैं इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग 21,000 रुपीज रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 21,000 रुपए इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग रहने वाली है। अगर ये प्राइसिंग आप लोगों के बजट में रहती है, आप हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे, बट उससे पहले फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बनाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। माय नेम इज आशीष, साइनिंग ऑफ फ्रॉम एकॉस्टिक्स इंडिया। गुड बाय।